नमस्कार दोस्तों, ऑटो होश 9 के इस चैनल पे स्वागत है गाइस। और आज हम बात करेंगे हुंडई की अपकमिंग i20 जो इंडियन मार्केट में कुछ ही महीनों के बाद लॉन्च होने वाली है। तो अपकमिंग हुंडई i20 प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आएगी, जिसका कोड नेम रखा हुआ था 2018 के ऑटो एक्सपो में PI3। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो उसमें आपको अगस्त 2020 में ये कार लॉन्च हो जाएगी। उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 6 लाख रुपीज से स्टार्ट हो गई और 11 लाख रुपीज में आपको ये कार मिल जाएगी। मतलब इस कार का बेस वेरिएंट आपको 6 लाख रुपीज में एंड टॉप एंड वेरिएंट आपको मिल जाएगा 11 लाख रुपीज में। हुंडई ने अभी कंफर्म कर दिया है कि इस कार में आपको पेट्रोल के साथ साथ डीजल का इंजन आपको कंटिन्यू रहेगा, जिसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। जो पहला होगा वो 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगा। मैक्सिमम पावर 118 BHP एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके देगा 172 Nm का। दूसरा इंजन जो मिलेगा उसमें आपको 1.4 लीटर का डीजल इंजन कंप्लायंट मिलेगा विद BS6 नॉर्म्स के साथ, और उसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा 89 BHP एंड टॉर्क आपको मिल जाएगा 220 Nm का। जो आने वाली अपकमिंग टाटा अल्ट्रोज है उसके साथ और आने वाली बलेनो 2020 फेसलिफ्ट के साथ इसकी कंपटीशन जरूर होगी। तीसरी इंजन आपको मिलेगा 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, जिसमें आपको वेन्यू की ओर से DCT का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ साथ CVT ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो ये हुई थी बात उसकी फीचर्स, उसकी जो इंजन पावर थी उसके बारे में। लेकिन बात करें स्टैंडर्ड फीचर्स की, मतलब इस कार का बेस वेरिएंट या फिर टॉप एंड फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो आपको इस कार में मिल जाते हैं। तो इस कार में आपको ABS मिलेगा, EBD मिलेगा, ड्यूल एयरबैग्स मिल जाएगी, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलेगा, स्पीड अलर्ट सिस्टम्स मिलेगी, स्पीड एंड इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिल जाएगा। और अपर वेरिएंट में बात करें तो 6 एयरबैग के साथ साथ स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट एंड व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको इस कार में मिल जाएंगे। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस कोड की बात करें तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि एयर पार्किंग के साथ साथ आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलेगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के अलावा टॉप एंड वेरिएंट में LED हेडलैम्प्स मिल जाएगा। हाल के i20 में आपको आगे डिस्क ब्रेक मिलती है, लेकिन आने वाली i20 में चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक जरूर देखने को मिल जाएगी। तो ये बात फाइनल है कि आने वाली i20 में आपको सनरूफ ऑप्शन मिलेगा। अगर आप आने वाले दिनों में एक प्रीमियम हैचबैक खरीदना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा कि ये सबसे बढ़िया पैकेज होने वाला है अगर आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हो तो। और फ्रंट सस्पेंशन में आपको मैकफर्सन स्ट्रट मिलेगा, रियर सस्पेंशन में आपको कपल टॉर्सन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग, और टर्निंग रेडियस इस कार की 5.2 मीटर रहेगी। और जो कार आएगी वो आपको एक स्पॉटी डिजाइन में लुक आप लगेगी, जो इंटरनेशनल मार्केट में i30N हैचबैक सेगमेंट में आती है उसी के सेगमेंट में, उसी के बेस प्लेटफॉर्म पे ये कार देखने को मिल जाएगी। इस कार की इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मटेरियल क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव मिलेगी, रिवाइज डैशबोर्ड मिल जाएगा, सेंटर कंसोल काफ़ी अच्छा मिलेगा, स्टेयरिंग व्हील्स काफ़ी अच्छी मिलेगी, लार्ज टच स्क्रीन एंड उसमें भी आपको ब्लूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी जो रिसेंटली लॉन्च वेन्यू में हुई है। जो ऑल ओवर अपकमिंग i20 है वो काफ़ी वाइडर होगी, लॉन्गर होगी और डायरेक्ट इम्पैक्ट बनाए के रखेगी अपनी सेगमेंट में आने वाली दूसरी गाड़ियों पे, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी सेगमेंट में बनाए रखेगी। तो 2020 आने वाली ऑल ओवर जो गाड़ी होगी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटीरियर लुक के साथ, इंटीरियर लुक के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो गाइस मुझे आप बताइएगा कि ये चैनल पे ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करेगा एंड गाइस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी अपडेट हमारे ओर से आप मिस ना कर पाए। थैंक यू दोस्तों एंड तक देखने के लिए।